हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में तो देखिए जो है हमारी ये सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट कर रखी है ओके उड़ीसा का जो हमारा एग्ज़ाम होगा दो हज़ार चौबीस में तो उसके लिए हमने आ, जो ये सीरीज़ तीन हज़ार क्वेश्चन की ये सीरीज़ है जिसमें हम टॉपिक वाइज एक्सप्लानशन के साथ एम सी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो इसमें जो है मैंने इसके बहुत से आठ पार्ट आई थिंक अपलोड कर दिए तो ठीक है तो आप उनको देख लेना मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है देखिए इसमें जो हमारा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स में जो हमारा सिलेबस है तो डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है ठीक है तो इसमें जो है डिप्लोमा का जो स्टैंडर्ड सिलेबस उसके हम टॉपिक वाइज सारे एम जो है एक्सप्लानशन के साथ में डिस्कस करेंगे तो उड़ीसा के लिए तो है ही साथ में अगर आप और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट

तो देखिए क्वेश्चन है हमारा और देखिए ये इसमें जो है एल्कोलॉइड का हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में एल्कोलॉड पार्ट वन था आज ये एल्कोलॉड के कुछ क्वेश्चन रह गए थे एल्कोलॉड पार्ट टू है ये ओके तो देखिए अभी जो मेरे साथ आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो आप लोग देखने वैसे आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है ही और बाद में वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सी मतलब कि मोस्टली ड्रग्स के बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली और केमिकल कॉन्सटेंट्स और यूजेस तो याद हो जाएंगे ओके क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उससे क्या होता है हमारे को जो है चीजें थोड़ी ज्यादा गेन होती है अच्छे से याद हो जाती है ओके तो देखिए अभी क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है टोबैको कंटेन तो टोबैको जो है उसमें कौन से टाइप के एल्कोलोइड है देखिए पायरडिन पिपरडिन एल्कोलोड है क्विनोलिन आइसोक्विनोलिन स्टीरोयडल है ना तो क्विनोलिन एल्कोलोइड में तो आपने क्या देखा था सिंकोना एंड कैम्टोथी देखा था आइसो में कौन कौन सी ड्रग थी ओपियम क्यूरे आईपीकेक कैक और हाइड्राइसिटीज है ना स्टीरोडल में मैंने आपको वी ए के से विराटर अश्वगंधा एंड कुर्ची बताया था तो आपका जो टोबैको है ना इसमें पायर एल्कोलोइड प्रेजेंट होते हैं ओके तो देखिए टोबैको में क्या है इसका सोर्स क्या होता है ड्राइड लीव्स ऑफ निकोशियाना टोबैकम फैमिली वही है सोलनेसी जो किस किस की है हमारे अश्वगंधा की फैमिली भी सोलनेसी है और जो हमारे ट्रोपिन एल्कोलोइड होते हैं ना उनकी सबकी फैमिली सोलनेसी होती है कोका को छोड़ के है ना टोबैको में पायरेडिन पिप्रेडिन टाइप के एल्कोलॉइड होता है निकोटिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा निकोटिन होता है बाकी नॉर निकोटिन एना बेसिन भी प्रेजेंट होते हैं टोबैको में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एल्कोलोइड तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो एल्कोलॉइड में नहीं आती देखिए इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आपके आते हैं तो एल्क्लोइड कौन सा नहीं है ना तो अपनी सारी ड्रग्स पढ़ ली अब हमें इतना तो पता होता ही है कौन सी एल्कोलोइड की है कौन सी ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है तो सैना सैना को देखते

जो किस में आता है आपके ट्रोपेन एल्क्लोइड्स में आता है धतूरा है ना विनका दिया है जो हमारे इंडोल इंडोल्क्स में आता है और है वस्का क्वीनाजोलोड्स में वस्का आता है ओके तो आपका जो है एल्क्ड में नहीं आता आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सिंपल हो गया सना नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट बायोलॉजिकल सोर्स बताना है किसका विंका का तो आपको पता है कि विनका किस में आता है इंडोल अलक्लोइ में विंका आता है है ना तो इंडोल एल्कोलोइड्स में आता है विनका विंका का सोर्स बताना है सिर्फ रोज

सोर्स हो गया कतरंत रोजियस फैमिली इज एपोसाइनेसी और विन का आपको पता ही एंटी कैंसर ड्रग होती है क्योंकि इसमें विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन प्रेजेंट है जो क्या होते हैं एंटी कैंसर होते हैं ओके एंटी नियोप्लास्टिक बोल सकते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसमें देखिए इंडोरक्लोड्स की सारी ड्रग्स लिखी हुई है तो अगर आप एक बार देखिए रिवाइज कर लीजिए कौन कौन से आपने जो इंडोर एक्लोड्स की ड्रग पढ़ रखी है एक तो आपने कौन सी पढ़ी है एरगोट पढ़ी है तो देखिए इस तरफ ये जो टेबल है ना ये टेबल आप लोग कर लेना तो आपके मोस्टली क्वेश्चन इन टेबल से ही बन जाएंगे तो ठीक है एरगोट का सोर्स है ड्राइड स्क स्क्लेरोटियम ऑफ क्लाविस परप्यूरिया इन ओवरी ऑफ राई प्लांट सिकेरे फैमिली ऑफ फंगस क्लाविस और देखिए हाइपोक्रिएसी फैमिली भी आती है ओके और फैमिली ऑफ राई है ये राई की फैमिली है ग्रामीणी और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आपके एर्गट में एर्गोमिट्रिन एर्गोमिट्रिन ना वाटर सोल्यूबल होता है ओके और एर्गोटामिन है और यूजेस क्या है एर्गट के एज अ ऑक्सीटोसिक यूज होता है माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज होता है प्रिवेंट करता है पी पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को ओके

कौन सा रुवॉल्फिया ओके नेक्स्ट आपका दिया, सिनोनिम होता है और ये एंटी कैंसर ड्रग में आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ होजिन डिजीज एंड ल्यूकीमिया में इसको यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग आपको देखिए इसमें मैच करना है इससे ना आपका और भी अच्छे से रिविजन हो जाएगा देखिए आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है ये तो इमिडाजोल इमिडाजोल एल्कोलोइड में कौन सी ड्रग है तो इमिडाजोल का बताना है ओके देखिए पापावरिन दिया है तो पापावरिन तो हमारा उसमें ओपियम में प्रेजेंट है और ओपियम कौन सी क्लास की ड्रग थी ओपियम थी हमारी आईसो क्विनोलिन में ओपियम आता है तो पापावरिन तो में आ गया रिजर्पिन किस में प्रेजेंट है रोवोल्फिया में रोवॉल्फिया किसकी ड्रग है इंडोल एल्लोइड्स में रोवोल्फिया आता है पिलोकार्पिन किस में प्रेजेंट है पिलोकार्पस पिलोकार्पस जो पिलोकार्पस जेबोरडी होता है ना उसमें आपका पिलोकार्पिन प्रेजेंट होता है तो ये आपका इमी जोल एल्कोलोइड में आता है इमिडाजोल एल्क्लोइ कोनेसिन किस में देखा था हमने कुर्ची में देखा था कुर्ची किसकी ड्रग है आपके स्टीरोडल एल्कोलोइड में कुर्ची आती है तो अब मैच कर लीजिए इमिडाजोल का आपका ए का हो जाएगा थ्री हो जाएगा पिलो कार तो ए का थ्री आपको दो ऑप्शन में दिया है तो आपके दो ऑप्शन तो वैसे कट गए अब या तो बी होगा या सी होगा अब इंडोल इंडोलक्ड में हमें रिजर्पिन पता है बी का सेकंड दोनों में ही दिया हुआ है अब देखिए आइसोक्विनोलिन में हमने देख लिया पापावरिन देख लिया सी का फर्स्ट सी का फर्स्ट आपको ऑप्शन सी में दिया है तो आपका आंसर निकल के आ गया क्या ऑप्शन सी बाकी डी का स्टीरोडल में आपका कोनेसिन हो गया है ना तो आपका आंसर क्या निकल के आया ऑप्शन सी निकल के आया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बायोलॉजिकल बायोजेनिक प्रिकर्सर फॉर इंडोल एल्कोलोड्स तो इंडोल इंडो डिराइव होते हैं कौन से अमीनो एसिड से ट्रिप्टोफन तो ग्रिप्टोफन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं हमारे इंडोल एल्कोलोइड कौन कौन से इंडोल एल्कोलोइड रिवाइज कीजिए एरगोट होता है नक्सवोमिका होता है फाइसोस्टिकमारोलफिया एंड विनका होता है नेक्स्ट मैच करना है फिर से आपको इससे ना बहुत ही ये क्वेश्चन

तो देखिए सेकंड का जो है इसमें क्या दे रखा है इसमें आपका क्यू है और इसमें आपका एस है तो आंसर तो ऑटोमेटिकली देखिए आपका कितना इजीली आंसर निकल के आ गया है ना तो देखिए आपको अगर पता था कि रिजर्व इंडोल एल्कोलोइड तो आपका आंसर निकल के आ गया ओके बाकी स्को जो होता है ये आपका ट्रोपेल एल्क्लोइ में आता है तो क्यू का वन हो जाना है ओके फिर आपका है क्विनोलिन अल्कोलोइड में कौन सा आता है क्विनोलिन में आपका आ जाएगा में प्रेजेंट है क्विनोलिन अल्कोलोइड की ड्रग होती है है ना तो थ्री का एस दिया हुआ है बाकी फिन अल्क्लोइ में हमारे मोरफिन कोडिन थीबेन आते हैं फोर्थ का आर हो जाएगा तो आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया ओके तो हमारे ये सारे आपको ध्यान रखने हैं फिनथरीन में हमारे मोर्फिन कोडिन थीबेन आ जाएंगे क्विनोलिन में आपके सिंकोना अल्कलोइड्स और कैम्प्टोथीका दोनों क्विनोलिन अलक्लोड में आते हैं क्वीनिन क्विनडिन सिंकोनिनकोनडिन सारे आ जाएंगे इंडोल अल्कलोइड्स में आपका रिजर्पिन आ गया ट्रोपेन में आपका स्कोपोलामिन आ गया ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अश्वगंधा इज ए कॉमन नेम फॉर तो अश्वगंधा अश्वगंधा विदानिया अश्वगंधा को विंटर चेरी भी बोलते हैं विदानिया भी बोलते हैं अश्वगंधा को ओके तो देखिए इसमें कॉमन नेम किसका है ये विदानिया सोमनी फेरा होलाना एंटी डायसेंट्री का तो हमारी कुर्ची का सोर्स होता है एपोसाइनेसी फैमिली होती है कुर्ची स्टीरोडल एल्कोलोइड में आता है विदानिया भी स्टीरोडल एल्कोलोइड की ड्रग है तो अश्वगंधा का सोर्स है विदानिया सोमनीफेरा और फैमिली आपकी कौन सी होती है सी फैमिली होती है ध्यान रखना है आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओके तो स्टोडल एलक्लोड की ड्रग भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है कौन कौन सी तीन ड्रग आती है वी ए के से याद रखना विरायट्रम अश्वगंधा एंड कुर्ची तो विराट्रम के बारे में पढ़िए वाइट एंड ग्रीन हेलीबोर भी इसे कहते हैं इसका सिनोनिम होता है इसका विरायट्रम का सोर्स है ड्राइड राइजोम्स ऑफ विराटरम एल्बम एंड विराट्रम विरिडी फैमिली इज लिलिये ओके विराइट्रम के जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स उसमें जर्मिडीन आता है प्रोटोविरा ए एंड बी और विराइट्रम इज हाइपोटेंसिव कार्डिक डिप्रेसेंट होता है हाइपोटेंसिव होता है जैसे कि हमारा रोवोल्फिया हाइपोटेंसिव था ओके okay? फिर आपका अश्वगंधा का सिनोनिम क्या है विंटर चेरी ओके okay? और इसका सोर्स है ड्राइड रूट ऑफ विदानिया सोमिफेरा फैमिली सोलानसी और इसमें अश्वगंधा में क्या प्रेजेंट है इसके जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है विदानिन और सोमनीफेरिन होता है विदानोलाइड भी होता है है ये स्टीरोड होता है विदानोलाइड और ये अश्वगंधा सैडिटी होता है एंड ऑल्सो एज एंटी रोमैटिक भी होता है कुर्ची कुर्ची की बार की यूज होती है ड्राइड बार को फोलार हीना एंटी डायसेंट्रिक एपोसैनसी फैमिली है कुर्ची के, के केमिकल कॉन्सेंट में कोनेसिन और आइसोकोनेसिन आता है और कुर्ची एंटी अमीबिक होती है ओके तो ये हमारे स्टीरोडल एल्कोलोइड हमने देख लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैगर्स टेस्ट बताया है ना तो मेयर्स में पोटासियम मरकरी आयोडाइड ड्रैगनड्रोफ में पोटासियम बिस्मत आयोडाइड में वैगनार में आयोडिन प्लस पोटासियम आयोडाइड हो गया और हैगर्स में पिकरिक एसिड यूज हुआ तो आपसे क्या पूछा है तो किस में आएगा? में नहीं आएगा वेगनार में नहीं आएगा येलो कलर के पिपटी आते हैं ये भी याद रखना है लीजिए और इसमें येलो बाकी दोनों में रेडिश ब्राउन पिपटी होते हैं वेगनार्स और ड्रैगन ड्रोव में ओके तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी हो गया हैगर्स रिएजेंट होता है ये ओके नेक्स्ट है कुर्ची की फैमिली सिंपल आपसे कुर्ची बार की फैमिली पूछी है अभी बताइए रूबीएसी होती है तो रूबीएसी तो कैसे होगी क्योंकि रूबीओसी किसकी है आईपी कैक की है और किसकी है सिंकोना की है है ना तो कुर्ची की तो नहीं है एपोसाइनेसी किसकी देखी है हमने रोवॉल्फिया की देखी है विनका की देखी है और कुर्ची की भी देखी है तो आंसर तो हमारा ऑप्शन बी हो गया एपोसाइनेसी फैमिली कुर्ची की हो जाएगी कुर्ची का सोर्स मैंने अभी बताया हो हिना एंटीडाइसेंट्रिका और कुर्ची की फैमिली एपोसाइनसी और कुर्ची का बार्क तो लिखा हुआ है यहाँ पर ओके okay? और जो है फैमिली किसकी देखी थी जल्दी से बताइए हमारे नक्स, वोमिका की, नक्स वोमिका फैमिली और की फैमिली भी मैंने अभी आपको बताया फाइसोस्टिग्मा स्टिकमा फैमिली लोगैनिय बताई है ना लेग्योसी फैमिली इसमें तो एल्कोलोड में तो हमने देखी नहीं बाकी ग्लाइकोसाइड्स में देखी थी जैसे लिकोरिस की देखी थी सोरेलिया की देखी थी है ना और सना की देखी थी ओके okay, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ है ना तो टेस्ट देखिए एल्कोलोड के जनरल टेस्ट के ऊपर बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं तो के जनरल टेस्ट में हमने मेयर टेस्ट टेस्ट वैगनार टेस्ट वैगनार टेस्ट, और टेस्ट देखा तो वैग्नार टेस्ट भी कुछ सिंपल पूछा हुआ किसके लिए है एल्कोलोड स्टीरोड ग्लाइकोसाइड टर्पिन तो किसके लिए होता है एल्कोलोइड के लिए तो बिल्कुल सिंपल पूछा हुआ है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा देखिए अब इसमें जो कम्पोजिशन भी लिखी हुई है तो मैंने आपको बताया दिया मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड याद रखेंगे रखेंगे हम और ड्रैगन ड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड याद रखेंगे वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड याद रखेंगे हैगर्स में पिकरिक एसिड अब कलर पीपीटी का मेयर्स में क्रीम कलर की पीपीटी, ड्रैगन ड्रोफ और वैगनार दोनों में रेड ब्राउन पीपीटी और हैगर्स में येलो पीपीटी याद रखेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एरगोट इज एन एल्कोलोड प्रोड्यूस्ड बाय तो एरगोट के सोर्स में आपने क्या देखा था ऑप्शन देखे रिसिनस कॉम्बिनिस्ट

विद मिनरल एसिड गिव जो कॉल ऑट्यूम ने ले फैमिली है ना तो वो कॉल्चिसन जो गाउट में यूज होता है उसकी बात हो रही है तो मिनरल एसिड के साथ में कौन सा कलर देगा ब्लू रेड येल्लो या वॉयलेट कलर तो कौन सा कलर देता है येल्लो कलर देता है ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा येल्लो लेकिन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट गाउट में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं कॉल्चसिन गोखरू रोल्फ या एरगोट कॉल्चिसिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ये गाउट में और इंडक्शन ऑफ पोलिप्लोडिक के लिए यूज़ किया जाता है एक्यूट गाउट के लिए कॉल्चिसिन यूज़ किया जाता है एमिनो अल्क्लोड में हमारा कल्चिकम आता है कॉल्चिका मोटनेल जिसकी फैमिली लिलियसी होती है ओके उससे कॉल्चिसन ऑप्टेन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एमिनो एल्क्लोड्स के बारे में लिखा भी हुआ है तो एमिनो एल्क्लोड्स भी आप लोग रिवाइज कर एमिनो एल्कोलोइड को प्रोटो एल्कोलोड्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो नाइट्रोजन होता है वो रिंग में, हिटीरोसाइक्लिकलिक नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता इनमें है ना बाकी ये अमीनो एसिड से डिराइव तो होते हैं है ना तो इसके बारे में हमने पढ़ा था तो एक बार ही ना इसके जो रिवाइज कर लेते हैं कौन-कौन सी ड्रग आती है इसमें एक तो इफेड्रा आता तो है इफेड्रा का सिनोनिम हमने माहुआंग देखा था इफेड्रा का सोर्स क्या देखा ड्राइड स्टेम ऑफ इफेड्रा जिराडियना इफेड्रा सिनिका ने इफेड्रा इक्विसेटीना इफेड्रा की फैमिली इफिड्रेसी या नीटेसी भी होती है ओके फिर एफेड्रा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एफेड्रिन सीडो एफेड्रिन प्रेजेंट है एल्क्लोडल अमीन्स होते हैं यूज में सिंपैथोमिमेटिक होता है एंटीअस्थोमैटिक होता है ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर के लिए भी यूज़ किया जाता है ओके फिर आपका कोल्चिकम कोल्चिकम का सिनोनिम मिडो सैफरन सीड होता है और ओटम क्रोकस भी होता है कोल्चिकम का सोर्स है सीडन कोर्म ऑफ कोल्चिकम ओटम ने लिलियसी फैमिली है कोल्चिसन और डीम कोल्सिन प्रेजेंट होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में और इंडक्शन ऑफ पोलिप्लोडी के लिए यूज़ किए जाते हैं फिर एक्नाइट का सिनोनिम होता है मोंगशूड इसका सोर्स है ड्राइड रूट ऑफ फैमिली एकोनाइट और प्रेजेंट होता है और इसे यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रोम एंड सीएटिका ग्लोरियोसा ग्लोरियोसा का सोर्स है ड्राइड रूट एंड राइजोम्स ऑफ ग्लोरियोसा सुपरबा फैमिली है लिलिये जो हमारी कोल्चिकम की भी है कोल्चिसन ही प्रेजेंट है इसमें ग्लोरियोसा में और इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट में और कैंसर में इसको यूज करते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वस्का कंटेंट डैश परसेंट वेट पर वेट ऑफ वैसीसिन कैलकुलेटेड ऑन द ड्राइड बेसिस तो वस्का जो हमारा कोईना जोलिन एल्कोलोड की ड्रग है तो उसमें कितना परसेंट जो है वैसीसिन कितना परसेंट वेट पर वेट वैसी है देखिए ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन जो है डी पॉइंट सिक्स परसेंट वेट पर वेट ऑफ वैसी हो जाएगा ओके

इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया प्यूरिन के लिए टेस्ट पूछा हुआ कौन सा है है ना किलर किलियानी टेस्ट है म्यूरिकसाइड टेस्ट शिनोडा टेस्ट विटाली मोरिन टेस्ट किलर किलियानी टेस्ट तो आपने कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डिओक्सी शुगर डिजिटोक्सोस के लिए देखा था म्यूरिकसाइड टेस्ट आपका आंसर हो जाएगा शिनोडा टेस्ट फ्लेवनोइड्स के लिए होता है ओके और आपका विटालीन मोरिन टेस्ट आपके ट्रोपिनोइड के लिए आप लोग पढ़ते हो तो ओके okay, तो इसमें यही पूछा हुआ था प्यूरिन आपके म्यूरिकसाइड टेस्ट तो ये देखिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो आपका अभी एम्स का हुआ था ना उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन बायोसेंथिस इन्वॉल्व अ पेयर ऑफ रिकर्सर आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर देखिए जो हमारा एट्रोपिन है किस में आता है ट्रोपिन एल्क्लोइड में आता है और ट्रोपिन एल्कोलोइड कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं बताइए मैंने आपको इंडोल एल्कोलोइड के लिए ट्रिप्टोफन एसिड बताया ट्रोपिन एल्कोलोड के लिए बताइए ओरनीथिन फिनाइल एलिन है टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन है ट्रिप्टोफन एंड डोपामिन टायरोसिन एंड डोपामिन तो आपके जो है ये ट्रोपिन एल्कोलोइड जो होते हैं अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा और फिनाइल एलेनिन हो जाएगा ओके ऑप्शन ए ये भी आपका दो का तेईस का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकोनिक एसिड इज द केमिकल मार्कर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस तो मिकोनिक एसिड है केमिकल मार्कर है कौन से जीनस के लिए पेपर के लिए पिलोकार्पस प्रोनस सा पापावर किसके लिए होता है पापावर के लिए होता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा देखिए जनरल टेस्ट डिटेक्ट ओपियम इज बाय टेस्टिंग प्रेजेंस ऑफ मिकोनिक एसिड ओके एल्क्ड आर प्रेजेंट एज सोल्ट ऑफ द मिकोनिक एसिड जो आपके जो ओपियम में जो अल्क्लोड होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं एज द सोल्ट ऑफ मिकोनिक एसिड नहीं सर रिजर्पिन इज डिराइव फ्रॉम तो रिजर्पिन किससे डिराइव होता है तो रिजर्पिन किस में आता है रोहोल्फ में प्रेजेंट होता है ट्रोपिन एल्क्लोइड में आता सॉरी इंडोल अलक्लोइड में आता है किस में आता है इंडोल अलक्लोइड में हमारा रिजर्पिन आता है किस में आता है रिजर्पिन इंडोल एल्क्लोइड होता है तो इंडोल एल्कोलोइड के लिए हमने आ, बताया कि आपको कौन सा अमीनो एसिड अम्योसिड होते हैं अमीनो एसिड बताया है ना ऑप्शन में देख लीजिए स्कोलिन होमोसिलोफन एंड ट्रिप्टामिन एस पैराजिन तो ये ट्रिप्टोफन वाला ऑप्शन राइट कर देंगे ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज एंटी स्पासमोडिक कौन सा ड्रग है जो एंटी स्पासमोडिक होता है एक्नाइट होता है वस्का होता है होता है कोडीन होता है कौन सा जो, जो एंटी स्पासमोडिक है तो हमारा हायोसाइमस हम पढ़ते हैं इसके हायोसाइमस के यूज देखेंगे ना आप तो ये एंटीकोल इनर्जिक होता है और एंटी स्पासमोडिक भी होता है ओके हायोसाइमस जो आपके ट्रोपिन एल्कोलोइड में आता है देखिए हायोसाइमस के यूज में क्या आता है एंटीकोल इनर्जिक और एंटी स्पासमोडिक होता है बस का आपका एंटीटेसिव और एक्सपेक्टोरेंट होता है एकोनाइट इन ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटिज्मी सियाटिका यूज़ करेंगे कोडिन आपका एंटीटेसिव होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए रोवोल्फिया के ऊपर रोवोल्फिया रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम डैश ईयर ओल्ड प्लांट वन टू वन टू टू थ्री टू फोर फाइव टू सिक्स या सेवन टू एट तो देखिए ये जाएगा आपका ऑप्शन बी जो रोल फेयर कलेक्ट करते हैं थ्री टू फोर ईयर ओल्ड प्लांट से कलेक्ट करते हैं ओके तीन से चार साल वाला पुराना प्लांट है उससे जो है कलेक्ट करेंगे नेक्स्ट अब प्रिकर्सर फॉर बायोसिन ट्रोपेन एलक्लोड तो ट्रोपेनलक्लोड के लिए प्रिकर्सर बताइए ल्यूसिन लाइसिन और टायरोसिन तो आपका ट्रोपिन एल्कुलड डिराइव होते हैं आपके ओरनिथिनमिनो एसिड से ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओके निसर प्रिकर्सर प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडासमाटा इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सी ड्रग का बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्लोफ एनल्स इनकोना है नक्स वोमिका तो जो है हमारे नक्स में प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम्स भी प्रेजेंट होते हैं नक्स में जो इंडोल एल्कुल्ड्स में आता है नक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द क्रूड ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन चिल्ड्रन में ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग बताई है सना है धतूरा है क्लोवे है या विनका तो आपका विनका ही तो एंटी कैंसर होता है एंटी न्यो होता है विनक्रिस्टिन विन, विन ब्लास्टिनों के ऑप्शन डी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है ओपीएम की फैमिली पूछी है सिंपल वेल वेलेरसी पापावरे तो ओपीएम का सोर्स है पापावर सोम फैमिली पापावर एसी ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा ओपीएम आइसोक्नोलिन एल्कोलोइड में आता है नेक्स्ट पूछ लिया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम मतलब कि ओपीएम का सोर्स पूछा हुआ है देखिए द ड्राइड लेटेक्स एक्सीडेट ऑफ द अनराइप अनसाइज कैप्सूल्स ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है क्या एक्वस एक्सट्रैक्ट तो नहीं होता ड्राइड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट भी नहीं होता कॉन्सनट्रेटेड एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट होता है ये भी नहीं होता क्या होता ड्राइड लेटेक्स होता है ओपीएम के सोर्स में क्या आता है ड्राइड लेटेक्स लेट एक्स अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल ठीक है तो ये सोर्स इंपॉर्टेंट है ओपीएम का ओके okay? ऑप्शन आपका ए राइट right हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखिए अभी आइसोकोन एल्लोड की सारी ड्रग एक बार लिख दी मैंने यहाँ आप आप रिवाइज कर लीजिए ओके okay? तो आइसो क्विड में रखना है पापवर फैमिली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके मोर्फिन कोडिन थी और ये नारकोटिन और पापावरिन आ जाएंगे यूज क्या है नारकोटिकल एनाल्जेसिक होता है डायरिया में भी इसको यूज करते हैं ओके फिर आपका क्यूरे का सिनोनिम साउथ अमेरिकन एरो का सोर्स ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ वायरस फैमिली और वायरस प्लांट फ्रॉम फैमिली लोगानिएसी और मैनिस परमेसी और इसमें डी ट्यूब क्यूरेन क्लोराइड प्रेजेंट होता है स्केल्टल मसल रिलैक्सेंट होता है हमारा क्यूरारिन। आईपीके का सोर्स क्या है रूट एंड राइजोम्स ऑफ आईपीके आईपीक्यून सिफेलिस एक्ूमिन आटा फैमिली रूबी आईपीके के केमिकल कॉन्स्टुंट्स में एमिटिनिफैलिन आता आईपी कैक का यूज़ क्या एंटी अमीबिक होता है एमिटिक होता है और होता, होता है ओके बर्बेरिस के सोर्स है रूट एंड ऑफ अदर बर्बेरिस बर्बेरीडेसी बर्बेरिन प्रेजेंट होता है इसमें और ये एस्ट्रिजेंट होता है इन इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यूज करेंगे फिर हाइड्रस्टिस का सिनोन में गोल्डन सील या येलो रूट इसका सोर्स है रूट एंड राइजोम्स ऑफ हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस बर्बेरीडेसी फैमिली बर्बेरिन हाइड्रास्टिन प्रेजेंट है ये टू कंट्रोल न्यूट्रीन हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रस्टिस को यूज किया जाता है ओके तो ये हो गए हमारे जो है आइसोक्विनोलिन एल्कोलोइड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एट्रोपिन इज अ वन वन मिक्सचर ऑफ डी एंड एल स्कोपोलेटिन स्कोपोलामिन हायोसाइमिन या बेलाडोनिन तो इसमें होता है एट्रोपिन क्या है मिक्सचर होता है डी एंड एल ये होता है हायोसाइमिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द इज अ रिएजेंट फॉर एल्कोलोइड एल्क्लोइड तो के रिएजेंट बताइए कौन सा इसमें से टू फोर्टाइन आइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है आयरन थ्री क्लोराइड है एंटीमनी थ्री क्लोराइड है पोटाशियम टेट्रा आइडोमर्क्यूरेट है, है ना जो आपका ये है पोटाशियम आयोडाइड पढ़ते हो ना तो वही है पोटाशियम टेट्रा वाला आइडोमर्क्यूरेट ये ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा नेक्स्ट है एरगोट पाउडर गिव ब्लू कलर तो एरगोट जो होता है इंडोल एल्कोलोइड वाला एरगोट ब्लू कलर देता है किसके साथ में बंजल डी हाइड पैराडाइमिथाइल अमीनो एरगोट पाउडर गिव ब्लू कलर विद वन आर्क रियाजेंट दैट इज पैराडाइमिथाइल ओके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट है टर्किश ओपियम इज कॉमनली नोन एज केमिस्ट ओपियम ड्रगिश ओपियम चाइनीज केमिस्ट एंड ड्रगिश तो टर्किश ओपियम इज आल्सो नोन एज ड्रगिश ओपियम ओके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मतलब तो बड़ा चंद्रिका सिनोनिम ऑफ तो बड़ा चंद्रिका किसका सिनोनीम है रोबोलफिया टेट्राफाइला फाइला है रोवोल्फे वॉमिट हो रहा है रोवोल्फे कैना सेंस तो ये होता है रोबोल्फिया टेट्राफाइला ऑप्शन ए राइट right हो जाएगा नेक्स्ट विच ड्रग इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल इंडोल इंडोलक्स की ड्रग में हमारा आता है एरगोट आता है रोवोल्फिया आता है नक्सोमिका आता है फाइसोस्टिग्मा एंड विन आता है तो सना तो आता ही नहीं है सना हमें क्या बताना है इंडोल वाली बतानी है ना तो सना सना जो है ग्लाइकोसाइड की ड्रग है वो भी एंथराक्यून ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है सिनेमोन सिनेमोन आपकी जो है जो आप वर्टाइल ऑयल्स वाले ड्रग पढ़ेंगे उसमें आएगा ओके दालचीनी जिसे बोलते हैं रोवाल्फिया आपका इंडो अलक्लोड्स में आता है तो आंसर ऑप्शन सी हो गया बाकी बेलाडोना अट्रोपिन एलक्स की ड्रग है ओके डेडली नाइट शेड लीव भी कहते हैं इसको बेलाडोना को है ना तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है अडल्ट्रेंट ऑफ रोवोल्फिया सरपेंटाइना आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्कलैरमा एब्सेंस ऑफ स्लैरकमा प्रेजेंस ऑफ पैरेंकाइमा या एब्सेंस ऑफ पैरेंकाइमा तो इनको डिस्टिंग्विश करते हैं जो अडल्ट्रेंड होते हैं और हैंफिया के रोअल्फिया सरपन टाइना के अडल्ट्रेंट जो है उनको डिस्टिंग्विश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्क्लैरेंटाइमा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर्टेन ऑफ द सेल्स ऑफ स्पॉन्जी मिजोफिल्स आर फिल्ड विद माइक्रोस्पिनोड एसडी क्रिस्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट ये किसका करैक्टरस्टिक होता है रोवाल्फिया का होता है रोवाल्फिया सरपेंटाइना एट्रोपा बेलाडोना दिया है केशिया केशियामिनाटा या नन तो किसका होता है ये एट्रोपा बेलाडोना ओके okay, ऑप्शन बी राइट right हो जाएगा नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द यूज ऑफ धतूरा धतूरा का यूज़ कौन सा नहीं है तो देखिए एंटीकोलर्जिक होता है Midriotic भी होता है मोशन को कंट्रोल भी करता है तो एंटी एड्रीनर्जिक नहीं होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओके okay? धतुरा जो हमारे ट्रोपेन एल्कोलोइड में आता है नेक्स्ट है क्विनिन इज ऑप्टेन फ्रॉम द क्विनिन किससे ऑप्टेन होता है सिनेमोमम से सिंकोना एंड्रोग्राफी स्टैक्नोज तो ये ऑप्टेर सिंकोना से है ना सिंकोना क्विनोलिन अलक्लोइ की ड्रग एस में क्विन क्विनिडिन सिंकोनिनकोनिडिन प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट यूजफॉल डिटेक्शन ऑफ ट्रोपेलोड के कौन सा टेस्ट बताया आपको हेल्फन टेस्ट म्यूरिकसाइड टेस्ट वानर्क या विटाली टेस्ट तो विटाली टेस्ट होता है ट्रोपिनक्लोइड के लिए वानर्क टेस्ट आपका गॉट में देखा हमने है ना मिल्कसाइड टेस्ट आपका प्योर एल्कोलोइ्स के लिए होता है और हेल्फनस टेस्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग जो ये होता है डिटेक्शन ऑफ कॉटन सीड ऑयल एज अडल्ट्रेंट ओके नेक्स्ट है हुआंग सिनोनिम किसका बताया था बताइए एफेड्रा एरगोट पुनर्नावा या जिनसिंग तो एफेड्रा जो है एफेड्रा का सिनोनिम होता है मा हुआंग होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वेगनार रिएजेंट में क्या होता है देखिए पोटाशियम आयोडाइड एंड मरकरी पोटाशियम वो हो गया पोटाशियम मरकरी आयोडाइड तो आपका होता है क्या मेयर्स रिएजेंट पोटासियम मरकरी आयोडाइड पिक्रिक एसिड होता है हैगर्स रियाजेंट में पिक्रिक एसिड यूज होता है आयोडन पोटाशियम आयोडाइड आपका वैगनार रियाजेंट में होता है रेडिश ब्राउन पिपटी आते हैं Added, आपका ड्रैगन रोफ रियाजेंट होता है इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं हैगर्स में येलो पीपीटी आते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एरगोट इज यूज है तो एरगोट का यूज में क्या क्या देखा था आपने ऑक्सीटोसिक कार्बोनेटिव एस्ट्रिंजेंट एंटीड तो एरगोट ऑक्सीटोसिक होती है पीपीएच को प्रिवेंट करती है है ना और माइग्रेन में यूज़ होती है नेक्स्ट है पिलोकार्पिन कंटेन डैश बेसिक मोर्टी पिलोकार्पिन में क्या बेसिक मोर्टी प्रेजेंट है तो पिलोकार्पिन जो है आपका पिलोकार्पस में प्रेजेंट है पिलोकार्पस जैबोरंडी में है ना तो इसकी फैमिली रूट ऐसी तो थी, थी तो कौन सी क्लास की ड्रग थी इमिडाजोल किसमें थी इमिडाजोल में आती है तो इसमें कौन सा बेसिक मोर्टी होगा इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा पिलोकार्पिन कंटेंट डैश बेसिक मोटी इमिडाजोल मोटी प्रेजेंट है हमारे पिलोकार्पिन में जो पिलोकार्पिन का यूज़ किया होता है एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ किया जाता है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं पिलोकार्पिन को एज अ मियोटिक यूज़ होता है ये ओके कोलिनोमैटिक एल्कलोइड होता है नेक्स्ट ये पिलोकार्पिन के बारे में लिखा हुआ है इमिडाजोल एल्कलोइड में आप एक ही तो ड्रग पढ़ते हो पिलोकार्पिन है ना जो आपका है जैबोरेंडी होता है पिलोकार्पस पिलोकार्पस जै मार्सू इसका जो सोर्स होता है पिलोकार्पस जैबोरेंडी होता है ना पिलोकार्पस मारसूप लिखा हुआ है इसमें तो क्या होता है पिलोकार्पस जैबोरेंडी होता है इसका सोर्स और इसकी फैमिली रूटेस होती है ओके तो आप इसको देखना है इसका सोर्स और जो है इसके जो एक्टिव कॉन्स्टुंट है उसमें पिलोकार्पिन और पिलोसिन प्रेजेंट है और एक कॉल होता है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में पिलोकार्पिन यूज किया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द क्रूड ड्रग यूज एंटी स्पासमोटिक एंटी स्पासमोटिक कौन सा है एफेड्रा है डिल है, है ओपियम देखिए ओपियम जो है ये एंटी स्पासमोटिक होता है ओके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ओपियम एंटी स्पासमोटिक में कौन कौन सी ड्रग आती है धतूरा आता है और हायोसाइमस आता है ओपियम आता है क्यूरारे आता है चारों ही एंटीस्पास्मोडिक एंटी स्पासमोटिक होते हैं जैसे क्वीनोविन इजे क्विनोविन क्या है टैनिन है, प्रोटीन है एल्कोलोइड ग्लाइकोसाइड है देखिए क्विनोविन क्या होता है एक ग्लाइकोसाइड होता है ओके और ये क्विनोविन के किसमें प्रेजेंट होता है सिंकोना में सिंकोना जो है हमारे क्विनोलिन एल्कोलड में आते हैं इसमें एल्कोलोइड्स है बट उसके साथ साथ में ग्लाइकोसाइड भी है कौन सा क्विनोविन क्वीनोविन ग्लाइकोसाइड भी होता है ओके नहीं सर फ्लावर ऑफ एट्रोपा बेलाडोना डैश कलर्ड रेड ग्रीन पर्पल या येलो तो पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं एट्रोपा बेलाडोना के ओके एट्रोपा बेलाडोना के फ्लावर्स का कलर पूछा हुआ है पर्पल नहीं सर एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन हीटेसाइक्लिक एल्कोलोइड एकोनाइट लोबेलिया कोल्चिसिन टी तो आपका कोल्चिसन जो है नॉन हीटरोक्लिक एल्कोलोइड में कोल्चिसन आ जाएगा ओके okay? तो नॉन हिटरोसाइक्लिक में आपके फिनाइल थाइलामिन अल्कलोड में एफेड्रीन मिसकेलिन होडिनिन आता है ट्रोपोलोन्स में आपका कोल्चिसिन आता है और मोडिफाइन डाइटरपिन में टैक्सोल सारे नॉन हिटरोसाइक्लिक एल्कलोइड होते हैं ओके okay? और देखिए एल्कोलॉइड के बारे में एक दो बातें और लिखी हुई है ध्यान रखनी है देखिए एल्कोलोइड देखिए हम जब जनरल पढ़ते हैं एल्कोलोइड्स के बारे में तो एल्कोलॉइड्स जो होते हैं कलरलेस होते हैं है ना बट कुछ एल्कोलॉइड्स कलर्ड होते हैं जैसे बीटाडिन रेड कलर का होता है बर्बेरिन येलो होता है सेंगुनारिन कॉपर रेड कलर का होता है ओके एल्कोलोइड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बट कुछ एल्कोलॉइड लिक्विड होते हैं एंड वोलेटाइल इन नेचर होते हैं जैसे निकोटिन हमारा लिक्विड है कोनिन और स्पार्टिन भी लिक्विड एल्कोलॉइड होते हैं है ना फिर और इसमें ये ध्यान रखना क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं ओके okay, तो देखिए बाकी फ्री बेस ऑफ एल्क्डल सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर इमिसिबल सोलवेंट्स ओके तो एल्क्लोडल जो बेस होते हैं तो कह रहे हैं वो सोल्यूबल होते हैं सोलवेंट्स जो आपके जो ऑर्गेनिक नॉन पोलर इमिसिबल सोलवेंट्स में वो जो सोल्ट होते हैं एल्कोलोइड्स के वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं सोल्ट जो होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं बेस जो होते हैं ऑर्गेनिक सोलवेंट्स में सोल्यूबल होते हैं ओके okay? तो ये थोड़ी सी जनरल बातें हैं ये याद रखना नेक्स्ट है इज सिनोनिम ऑफ वोवाल्फिया रोवॉल्फिया का सिनोनिम बताइए रोवॉलफिया सर्प एंड टाइना है ना सर्प गंधा भी इसे बोलते हैं स्नेक की जैसी रूट होती है रोवॉल्फिया की तो हैंडबेन तो हायोसाइमस का देखा था इंडियन स्नेक रूट भी कह सकते हैं इसको क्योंकि -क्यों सांप की जैसी होती है ना ग्रीन हेलीबोर डेडली नाइट शेड लिफ तो आपका किसका बिलाडोना होता है है ना तो आपका आंसर तो है क्या हो गया ऑप्शन बी हो गया ओके हैंडबेन का हायोसाइमस का सिनोनिम हैंडबेन है और एक ग्रीन हेलीबोर्ड दिया है ना ये अमेरिकन हेलीबोर्ड विराट्रम विरडी होता है वाइट हेलीबोर्ड यूरोपियन हेलीबोर्ड होता है जो विराट्रम एल्बम होता है डेडली नाइट शेड लीफ आपका बेलाडोना होता है बेलाडोना का सिनोनिम क्या है डेडली नाइट शेड लीफ होता है और बेलाडोना की एक बात और देखना इसका पैली सेड रेशो होता है बेलाडोना का पैली सेड रेशो कितना होता है फाइव टू सेवन होता है ओके okay. और एक बेलाडोना के अडल्ट्रेंट इसमें इंक्लूड नहीं हुए तो बेलाडोना के जो अडल्ट्रेंट होते हैं ना बेलाडोना के अडल्ट्रेंट वो भी इम्पोर्टेंट है एलियंथस ग्लैंडुलोसा होता है एलियंथस ग्लैंडुलोसा ग्लैंडुलोसा ओके फाइटोलैका अमेरिकाना फाइटो लैका अमेरिकाना होता है एक होता है सुलानम निगरम सोलानम निग्रम याद रखना है ओके ये अडल्ट्रेंट है किसके बेलाडोना के ये तो यूपी प्रदेश, प्रदेश, तो हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश नेक्स्ट बीच तो ऑफ द फॉलो सब्सटीट्यूट ऑफ सिंकोना बार्क सिंकोना बार्क का सब्सटीट्यूट कौन सा है क्यूप्रिया बार्क पेरुवियन बार्क जिस काउंटस बार्क तो क्यूप्रिया बार्क होता है ओके नेक्स्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्लोड शो ब्लू फ्लोरिसन शो करता है एरगोट है सिंकोना है विनका है यार वॉल्फिया है तो ब्लू फ्लोरिसन शो करेगा हमारा सिंकोना ठीक है सिंकोना बार्क वन सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्जर्व अंडर यूवी लाइट तो ब्लू फ्लोरिसंस शोज करता है डू टू मिथॉक्सी ग्रुप ऑफ क्विनिन एंड क्विनिडीन ओके और थैलोक्विन टेस्ट में आपको बता दिया था इसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आएगा विद ग्रोमिन वाटर एंड डायल्यूट अमोनिया सोल्यूशन ओके नेक्स्ट है ड्रैगन रोव रियाजेंट ग्रीव तो मैंने आपको सारे बताए मेयर्स रियाजेंट ड्रैगन ड्रोव रिएजेंट एजेंट वैगनार रियाजेंट और हैगर्स रियाजेंट तो आपको बताने कौन से कलर के पीपीटी देगा मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी आए ड्रैगन ड्रैगनड्रोव और वैगनार्स में रेडिश ब्राउन आए हैगर्स में येलो आए तो सिंपल है आपका ड्रैगन ड्रोव में रेडिश ब्राउन देख लीजिए ओके तो रेडिश ब्राउन पिपटी आएंगे ड्रैगन ड्रोफ में भी और वैगनार्स में भी ध्यान रखना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसमें ये लिखा हुआ है मैंने आपको बता ही दिया है ना तो मेयर्स में पोटासियम मरकरी हाइड्राइड क्रीम पिपटी ड्रैगन ड्रोफ में पोटासियम बिस्मत हाइड्राइड रेडिश ब्राउन पिपटी वैगनार में आर्डन प्लस पोटासियम हाइड्राइड रेडिश ब्राउन हैगर्स में पिकरिक एसिड येलो ओके okay? येलो पिपटी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एरगोटोक्सिन कंटेंट देखिए अब एरगोट के जो केमिकल कॉन्स्ट्रेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन एरगोटोक्सिन जो है इसमें देखिए आर्गो क्रिस्टिन आर्गो क्रिप्टिन आर्गो कॉन तीनों प्रेजेंट है ऑप्शन डी हो जाएगा ओलो देखिए देखे एयरगोट के बारे में लिखा हुआ एयरगोट जो होता है कंटेन लार्ज नंबर ऑफ पोटेंट इंडोल एल्कोलोड विच आर डेरिवेटिव ऑफ लिसर्जिक एसिड तो एल्गोट के एल्कोलोइड होते एसिड डेरिवेटिव होते हैं ध्यान रखना है एल्कोलोइड का ग्रुप इनटू वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल एल्कोइड होते हैं एर्गोट में ओके कह रहे हैं ईच पेयर कंटेन लिवोफॉर्म तो जो इसके एल्कोलड होते हैं तो उनमें एक तो लिवोफॉर्म होती है जो एक्टिव होती है मेडिसिनली एक्टिव होते हैं लिवोफॉर्म एक डेक्स्ट्रोफॉर्म होता है जो इनर्ट होती है वाटर सॉल्युबल पेयर कंटेन एर्गोमिट्रिन इट्स डेक्सट्रो पार्ट एर्गोमिट्रीन ओके तो ये वाटर सोल्यूबल में एर्गोमिट्रिन मैंने आपको बताया था एर्गोमिट्रिन वाटर सोल्यूबल होता है और जो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं उसमें आपका एर्गोटामिन एर्गोटोक्सिन ग्रुप आता है तो वो आपसे पूछा हुआ था है ना तो ये वाटर इनसोल्यूबल में आते हैं ध्यान रखना है ये अर्गोट केमिकल कॉन्स्ट्रेंट है नेक्स्ट है इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सोल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड लिसर्जिक मिकोनिक या यूरिक एसिड तो ये क्लोरोजेनिक एसिड हो जाएगा है ना ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट है नक्स वोमिका सीड कंटेन तो नक्स वोमिका सीड में इसमें देख लीजिए यूनिसेलोर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स यूनिसेलर क्रॉनिकलिंग कवरिंग ट्राइकोम हेड या मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्रैकोम तो लिग्निफाइड आपने पढ़ रखा है ना तो ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिसेलोर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स ओके नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्ट्रोडल एल्कोइड अब आपको तो पता है कि स्टल एल्कोड में कौन कौन सी ड्रग आती है क्योंकि मैंने इतनी बार बता दिया आपको तो इतना मतलब सवाल ही नहीं है कि आपको नहीं पता होगा मैं श्योर हूं कि इस टाइम आपको पता है किस चिल्ड्रन एल्क्लोड में कौन कौन सी ड्रग आती है वी ए के विराट आता है आशुगंधा आता है कुर्ची आता है है ना तो आपके स्टीरोडल एल्कोलोइड में विरायट्रम अश्वगंधा एंड कुर्ची आता है तो इसमें देखिए अश्वगंधा आएगा एफेड्रा नहीं आएगा एफेड्रा कहा आएगा एमिनो एल्कोलॉइड में एफेड्रा आएगा कुर्ची और विरायट्रम भी आपके स्टीरोडल एल्कोलोइड में आ जाएंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विनिन शो विच कलर फ्लोरिस विद सल्फ्यूरिक एसिड ब्लू ग्रीन रेड या पिंक तो ये कौन से कलर की फ्लोरिस देगा ब्लू कलर की फ्लोरिस देता है ओके देखिए सिंकोना बार्क वही लिखा हुआ है इसमें ओके तो ये जो ब्लू फ्लोरिसंस हमारा क्विनिन के मिथोक्सी ग्रुप की वजह से होती है ओके और थैलिक्विन टेस्ट में हमने देख लिया तो ये एमराइल्ड ग्रीन कलर जरूर याद रखना एमराइल्ड ग्रीन कलर आता है और इसमें ब्रोमिन वाटर डायलोट अमोनिया सोल्यूशन के साथ में आता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया मलेरिया को यूज करने के लिए इससे सिंपल क्या होगा देखिए सिंकोना है फेनल क्यूमिन डिजिटैलिस सिंकोना में क्विनिन होता है कौन सा क्विनिन है ना जो मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है सरिब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्विन तो आपका सिंकोना मलेरिया के लिए यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलचिक्कम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कोलचिकम अभी देखिए कोलचिकम कहाँ पड़ा इंडोल एल्क्लोड में पड़ी थी क्या इंडोलक्लोड की ड्रग तो बिल्कुल याद है एरगोट है नक्सोमिका है फाइसो है और वोल्फिया एंड विनका है है ना क्विनोलिन में पड़ी थी कौन सी पड़ी थी सिंकोना कैम्टोथिका क्यों उसी से याद करते हो इसको ट्रोपिन एल्कोलोड्स में तो बेलाडोना धतूरा स्ट्रामोनियम हायोसाइमस डुबोसिया एंड कोका आता है बचा कौन सा अमीनो एल्कोलोइड अमीनो एल्कोलोइड में हमने कॉल्चिकम पढ़ा। कॉल्चिकम मोटियम ने फैमिली प्रेजेंट है जो गाउट के लिए और पॉलीप्लोइडी के इंडक्शन के लिए यूज किया जाता है जैसे एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ तो एमिटिन सबसे पहले तो किस में देखा था आईपी में देखा था आईपी कौन सी क्लास की ड्रग है आईसो क्विनोलिन एल्क्स में आई आता है आईपी का सोर्स क्या होता है सिफैलिस आईपी कैक क्यों होता है आईपी की फैमिली कौन सी होती है रूबीएसी होती है आईपी केमिकल कॉन्स्टुट्स में एमिटिन और सिफेलिन आता है और आईपी के यूज में आपने क्या क्या देखा था कि ये जो होती है एज एमिटिक यूज होती है है हाँ ना आई में देखा था हमने ये एमिटिक होता है एक्सपेक्टोरेंट होता है और ये एंटी अमीबिक भी होता है ओके तो एमिटिन इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ तो मलेरिया ट्यूबर क्लोसिस अमीबिया तो किस में यूज होगा अमीबियासिस एंटी अमीटिक होता है ना एंटी अमीबिक होता है मतलब एंटी अमीबी को तो अमीब बियािस के लिए यूज़ करेंगे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल्चिकम की फैमिली पूछी है लिलियसी रैनकुलसी लैगोमिनोसी अरेलीसी कॉल्चिकम ओटूम ने लिलियसी फैमिली पढ़ी है ना ऑप्शन ए हो जाएगा एमिनो एल्कोलोरस में आता है कॉल्चिकम और इसकी फैमिली है लिलियसी और इसमें केमिकल कॉन्सुंस कौन सा है कॉल्चिसिन किसके लिए यूज़ होता है एक्यूट गाउट के लिए और इंडक्शन ऑफ पॉलिप्लोडी नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सूडो एल्कलोइड देखिए सूडो एल्कोलोइड के एग्जांपल बताइए जो एल्कलोड एमिनो एसिड से डिराइव नहीं होते है ना सूडो एल्क्लोइड हमने देखा था कैफ़ीन हाइग्रीन एरिकोलिन लोबेलिन तो हमारा कैफ़ीन सूडो अल्कोलोइड की कैटेगरी में आता है न सिर्फ फैमिली विन का इससे इजी क्या होगा रूबी एसी तोड़ने सी एप आने से रिथ्रोजाइलेसी तो रूबीएसी किस किस की देखी आई की देखी और सिंकोना की देखी सोरेनेसी आपके ट्रोपिन एल्क्लोड में सभी की होती है कोका को छोड़ के और विदानिया की भी देखी या सुगंधा की विनका की होती है एप्पोसाइनेसी रोवोल्फिया की और कुर्ची की भी होती है इरिथ्रोजाइलेसी हमारे कोका की होती है ओके नेक्स्ट है प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन एलक्लोड तो ट्रोपिन एलक्लोड की बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड है ऑर्निथिन टायरोसिन ल्यूसिन लाइसिन कौन सा है ऑर्निथिन अमीनो एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन है अदतोड़ा वसिका लीफ इज यूज फॉर

नेक्स्ट है प्योरिन एल्कोलोड आइडेंटिफाइड बाय प्योरिन एल्क्स के लिए कौन सा टेस्ट है बोन ट्रैगर टेस्ट तो हमारा एंथराक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है वन टेस्ट हमारा किसके लिए होता है वान टेस्ट हमारा एयरगोट में पड़ते हैं वान रिएजेंट रियजन पैराडाथिनो बंजलडीहाइड हमने देखा मोरिन टेस्ट हमने किस में देखा ट्रोपिन एल्कोलोड्स के लिए तो बचा क्या म्यूरिकसाइड टेस्ट जो हमारे प्योरिन एल्कोलोइड्स के लिए होता है ओके प्योरी नाक्लोड्स की ड्रग के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं इसके बारे में भी तो पढ़ लो है ना देखिए कौन कौन सी ड्रग आती है इसमें कोकोआ सीड आता है टी आता है कॉफी आती है ठीक है कोकोआ सीड मतलब कोकोआ बीन्स भी बोलते हैं सोर्स है, सीड्स ऑफ थियोब्रोमा क्या क्या स्टर्कुलसी फैमिली है केमिकल कॉन्सट्रट्स में थियोबोब्रोमिन और कैफिन होते हैं ये एज अ डायरेटिक होता है इसका यूज टी का सोर्स क्या है लीज एंड लीजन लिवबड़ो थियां थीसी फैमिली होती है कैफिन थियोब्रोमिन थियोफा थियो थियोरोमोन प्रेजेंट है सी एन एस स्टिमिलेंट और डायोरेटिक होता है फिर कॉफ़ी कॉफ़ी का सोर्स है ड्राई ड्राइप सीड ऑफ कॉफ़ी अरेबिका रूबीए फैमिली होती है अच्छा कॉफी की फैमिली भी रूबी है अच्छा कॉफ़ी की भी रूबी है अभी देख लो ठीक है कॉफी की भी रूबी है आई पिकेक की भी रूबी ए सी सिंकोना की भी रूबी ए सी है ओके और इसमें कैफीन और ट्रीगोनालिन प्रेजेंट होता है और ये स्टिमुलेंट होता है टू काउंटर इफेक्ट ओवरडोज तो ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट इसके लिए भी यूज़ करते हैं ओके कॉफ़ी को नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इरगोट पाउडर गिव ब्लू कलर विद तो इरगोट पाउडर जो होता है वानर रियाजेंट जो होता है कौन सा है पैरा डायमिथाइलेमिनो बेंजलडिया देखिए कन्फ्यूज़ करेंगे ना बस सिर्फ पैरा यहाँ पे ना पैरा और औरथों में ही डिफरेंस दे रखा है कि आप सोचेंगे कि पैरा था या और पढ़ा था अगर एक ही बार पढ़ा हो ना तो सोचेंगे पैरा या औरथों क्या पढ़ा था है ना अगर रिविज़न नहीं हुआ तो फिर इसलिए कहते हैं इसलिए रिवीजन जरूरी होता है क्योंकि एग्जाम टाइम पे ना ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है ऑप्शंस में ओके तो ये पैराडाइमिथाइलएमिनोबेंजलडिहाइड है, है तो मेरे बच्चों को तो पता है क्योंकि उन्होंने तो अच्छे से पढ़ रखा है तो आंसर भी ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट ट्रॉपेन एल्कलॉइड्स कैन आइडेंटिफाइड बाय द ट्रॉपेन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है थैलोक्वीन टेस्ट किसके लिए पढ़ा के लिए विटाली टेस्ट बिल्कुल सही ट्रोप एंड के लिए आंसर इज ऑप्शन बी बाकी बायोरेट टेस्ट टेस्ट मिलन टेस्ट हमारे एल्क्स में नहीं आते नेक्स्ट अभी ट्रोप एंड की ड्रग एक बार रिवाइज कर लीजिए ओके ये टेबल भी इंक्लूड कर लिया मैंने यहाँ पे बेलाडोना का डेडली नाइट शेड है बेलाडोना का सोर्स है ये बेलाडोना बेलाडोनासी फैमिली होती है केमिकल कॉन्सोट्स में एलहायोसाइमिन और एट्रोपिन है और ये एंटिकोलिनर्जी को स्पासमोडिक होता है धतूरा का सोर्स है आपका धतूरा मिटल फेस्टियोसा वराइटी है सोलोनेसी फैमिली होती है और केमिकल कॉन्सोट्स में स्कोपोलमिन हायोसिन एट्रोपिन है एंटिकोलिनर्जी को तोर में यूज किया जाता है स्ट्रामोनियम को कहेंगे थॉर्न एप्पल लीव्स इसका सोर्स है धतूरा स्ट्रामोनियम सोलोनेसी फैमिली है इसमें वही एल्हायोसाइमिन हायोसिन एट्रोपिन प्रेजेंट एंटीकोलर्जिक होता है मिड्रियाटिक और कंट्रोल करता है मोशन सिकनेस को और आपका है हायोसाइमसन है एंटीकोलर्जिकोडिक होता है डिबोसिया का सोर्स डुबोसिया मायापोर स्कोपोलॉमिन प्रेजेंट एंटीकोलिक होता है कोका का सोर्स है ड्रेड लीव्स ऑफ रिथ्रोजन कोका इोजाइलेसी फैमिली होती है कोकेन सिनेमाइल कोकेन और अल्फा ट्रोक्सिलिन प्रेजेंट होता है लोकल अनस्थैटिक होता है कोकेन ओके तो कौन सा अल्कोलोड है जो लोकल अनस्थेटिक है कौन सा है हमारा कोकेन होता है कोका जिसमें कोकेन प्रेजेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट ड्रग इज ऑक्सीटोसिक बताइए कौन सी देखी थी ऑक्सीटोसिक देख लीजिए अब इन गोट है कुर्ची है विन कहा है कोकैन तो कौन सा था एरगोट में देखा था ना एरगोट के यूज़ देखे थे जब ऑक्सीटोसिक होता है पीपीएच को प्रिवेंट करता है तो माइग्रेन में यूज़ करते हैं इसके तीन यूज पड़े थे ना आपने तो वही है तो आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा एरगोट जो हमारे इंडोल एक्लोइ्स में आता है जी सिट्स बार के जो सिनोनिम ऑफ सिनोनिमोन है कुर्ची है सिनकोना या अश्वगंधा अश्वगंधा को तो विंटर चेरी कहते हैं ओके विंटर चेरी और आपका सिनकोना जो है इसको पेरुविन बार्क पनामा बार्क या जीसिट्स बार्क भी कहते हैं ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सिंकोना जो क्विनोलिन एल्कोलोड की ड्रग है

कोएशिया कुर्ची जिलेटिन या ओपियम तो मोरफिन कोडिन थीबेन जो हमारे फिन एल्कोलॉइड होते हैं ये हमारे ओपियम में प्रेजेंट है जो आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन में ओपियम आता है नेक्स्ट एमिटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एमिटिन किसका इंग्रेडिएंट है आईपिकैक ई सब गोल पैरेथ्रम रुबार तो क्या जो आइसोक्विनोलिन एल्क्लोइ्स में आता है तो इसमें एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं एंटी मलेरियल ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स से कौन सा एंटी मलेरियल ऑप्टेन होता है स्ट्रैक्रीन तो स्ट्रैक्रीन तो नक्स वोमिका में होता है स्ट्रैक्रिन और ब्रूसिन है ना तो रिजर्पिन आपका रोवोल्फिया में रिजर्पिन होता है जो एंटी एंटीहाइपरटेंसिव होता है क्विनिन एंटी मलेरियल होता है ना जो नेचुरल सोर्स इनकोना से ओपटेन किया जाता है

आपका कैमटोथिका कैम्टोथिका का सोर्स है कैम्टोथिका एक्यूमिनाटा है ना निसेसी फैमिली है प्रेजेंट है होता ओके नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिराइव फ्रॉम लाइसिन लाइसिन से डिराइव होएगा कौन सा एमिटिन ची, यह चिलीडोनिन लोबेलिन या स्टैकि तो यह आपका लोबेलिन जो लोबेलिया में प्रेजेंट है लोबेलिया लोबेलिया में लोबेलिन प्रेजेंट है जो लाइसिन एल से हो गए सारे नाम लोबेलिया का जो डिराइव होगा लोबेलिया का मतलब कि लोबेलिया में लोबेलिन जो डिराइव होगा लाइसिन अमीनो एसिड से ओके तो सारे ही एल से हो गए

कौन से इंडियन टोबैको कहोगे लोबेलिया को सोर्स ऑफ लोबेलिया लोबेलियां जो है आपकी फैमिली है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है लोबेलिया और अरिका दोनों ही रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं ओके नेक्स्ट है सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एमिटिन किसने बताए थे टीरोकार्पस बताए थे क्या कोलचिस आईपी पुनर्नावा

इसमें ना डाइट टर्फिनोइड सेलक्लोइड प्रेजेंट होता है एकोनाइट में ओके नेक्स्ट है ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट डज़ नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद कैफीन मोरफिन कोडिन या ये क्या लिखा हुआ है मीटिंग तो ये मॉर्फिन कोडिन और इसमें कुछ है, ये एल्कोलोइड ही लिखा हुआ था ठीक है तो ये देखिए जो है ड्रैगनड्रोफ रियाजेंट जो है ठीक है तो इसमें यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि यहाँ पर ये मॉर्फिन कोडिन थीबेन लिखा हुआ है यहाँ पर ओके तो देखिए जो आपका है एमिटिन लिख लीजिए एमिटिन एमिटिन तो आपका जो है ड्रैगन ड्रोफ रिएजेंट है डज नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विद कैफीन के साथ में कैफीन के लिए आपका म्यूरिकाइड टेस्ट होता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंपाउंड इज प्रेजेंट इन अश्वगंधा अश्वगंधा जो है हमारा स्टीरोडल अल्कोलोइड में आता है विराटरम अश्वगंधा एंड कुर्ची तो देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है स्टीरोडल ग्लाइकोसाइड है नहीं स्टीरोडल ग्लाइकोसाइड नहीं एल्कोलोइड होते हैं स्टीरोडल लैक्टोन टर्पिन ग्लाइकोसाइड टर्पिनल एल्कोलोइड तो इसमें देखिए स्टीरोडल ग्लैक्टोन हो जाएगा ऑप्शन उप, बी राइट हो जाएगा ओके नेक्स्ट है व्हाट इज पॉपुलरली कोल्ड क्राउफिग तो क्राउफिग किसका सिनोनिम बताया था आपको नक्सवामिका का बताया था ना ऑप्शन ए हो जाएगा नक्सवामिका का सिनोनिम बताया था क्राओ फिग सीड है ना एकोनाइट का मोंग शूट देखा था आपने है ना और कोलचिकम का ओटम क्रोकस था है ना और रोवल्फिया का आपका सर्पगंधा है और इसमें कोलचिकम का मिडो सेफरन सीड भी है और रोवोलफिया का सर्प गंदा छोटा चंद भी है नेक्स्ट है व्हाट इज़ नोन एज इंडियन जिनसेंग इंडियन जिनसेंग किसे कहेंगे पिक्रोरेजर चिराटा जें विदानिया तो हमारा शुगंधा है ना विदानिया इसे कहेंगे इंडियन जिनसेंग और इंडियन टोबैको लोबेलियस को कहा गया इंडियन जिनसेंग विदानिया को कहा गया ओके okay? नेक्स्ट ये ग्लाइकोसाइड के ड्रग के सोर्स लिखे हुए अशोगंधा का हमने देख लिया दाना सोमनी फेरा फैमिली नैसे सक... एरगोट कंटेन विस टाइप ऑफ एल्लॉइड एरगोट में कौन से टाइप के एल्कोलॉड है अब देखिए इससे इजी क्या होगा प्यूरिन है मोडिफाइडर इंडोल तो किसमें देखी थे Ergot, indole, में ना? इसी टाइप के इतने बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे हुए हैं नेक्स्ट एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम द प्लांट ओरिजिन कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट ओरिजिन से ऑप्टेन होती है मिथोट्रिगेड प्रोकारबाजिन विनक्रिस्टिन डेक्टिनोमाइसिन विनक्रिस्टिन से ऑप्टेन होते हैं ना नेक्स्ट है ड्रग यूजर एंटी मलेरियल एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है एयरगोट सिंकोना नक्सवामिक आईपिक तो हमारी सिंकोना होती है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट इसमें यह एयरगोट का एयरगोट का ऐसा यूज़ लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिक होता है प्रिवेंट करता है पीपीएच को पोस्ट पार्टम हैमरेज को माइग्रेन में यूज किया जाता है नक्सवामिका सी एन एस स्टमुलेंट बिटर स्टोमैकिक टोनिक होता है आईपिक एंटी एमिक एमिटिक एक्सपेक्टोरेंट होता है सिंकोना एंटी मलेरियल और बिटर टोनिक होता है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के लिए कौन सी ड्रग बताई कॉल्चिकम कॉर्म टर्मरिक एफेड्रा या अकेशिया तो कॉल्चिकम यूज होता है ना कॉल्चिकम का कोल्चिसन यूज होता है ओके नेक्स्ट है कोलचिकम का सोर्स लिखा हुआ है सीडन कॉर्म ऑफ कोल्चिकम ओट्यूम ने ले लिए सी बाकी टर्मरिक आगे पड़ेंगे हम एफेड्रा का हमने देख लिया एफेड्रा जिराडियाना एफेड्रा सिनिका एफेड्रा एक्सिटीना इफेड्रेसी फैमिली अकेशिया भी कार्बोहाइड्रेट के ड्रग में आएगा ओके नेक्स्ट एमिटिन इज एन एल्कोड ऑफ एपिकुना एक्ट है तो एमिटिन आइपिक में प्रेजेंट है तो क्या है ये एंटी मलेरियल है अमीबी साइड है एंटीसेप्टिक एंटी स्पासमोटिक तो एंटी अमीबिक होता है ना अमीबी साइड हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ एल्क्ड इज प्रेजेंट इन विनका विनका में कौन से टाइप के एल्क्लोड है आइसो क्विनोलिन है ट्रोपिन है इंडोल क्विनोलिन कौन से इंडोल एल्क्लोड होते हैं हमारे विनका में बाकी आइसो क्विनोलिन किसने बताए ओपियम क्यूरि आईपी कैक बर्बेरिस और हाइड्रास्टिस ने बताए ट्रोपिन एल्क्लोइड में हमारा आता है बेलाडोना धतूरा स्ट्रामोनियम हायोसाइमस डुबोसा एंड कोका क्विनोलिन में सिंकोना और कैम्टो ओके okay? ड्रग यूज इन अमीबिक डिजेंट्री अब बताइए अमीबिक डिजेंट्री लिए कौन सी ड्रग बताई थी रिजर्पिन तो एंटी हाइपरटेंसिव होता है आईपी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आईपी कैक ही हमारा एंटी अमीबिक होता है ना तो अमीबिक डिजेंट्री में आई कैक को यूज करेंगे बाकी पिक्रो रेजर दिया है आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम इज ड्राइड तो opium, opium का सोर्स देखा था हमने तो क्या है ड्राइड जूस है ड्राइड लेटेक्स है ड्राइड एक्सुडेट है या फिर एक्सट्रैक्ट है तो ड्राइड लेटेक्स होता है है ना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज एल्कोलॉइड डज नॉट कंटेन नाइट्रोजन द रिंग सिस्टम तो इनमें से कौन सा जो एल्कोलॉड है जैसे नाइट्रोजन रिंग सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता बाकी ये एल्कोलोइड अमीनो एसिड से डिराइव तो हो जाएंगे बट इनका जो इनमें हिटिरोस नाइट्रोजन नहीं है मतलब नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट नहीं है एफेड्रीन है पापावरिन है क्विनिन है क्विनिडिन है तो ये आपका एफेड्रीन हो जाएगा है ना तो ये अमीनो एल्कोलोइड में आता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ सिंकोना सिंकोना का टेस्ट क्या है स्वीट और पंजेंट है बिटर इंटेंसली बिटर होता है हाईली बिटर है इसका सिंकोना का टेस्ट ऑप्शन डी हो जाएगा ओके सिनकोना क्या इंटेंसली बिटर टेस्ट होता है इसका ओके okay, तो ये हमारे एल्कोलोइ्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए ओके okay, तो अभी जो है आपको सभी ड्रग्स के मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल सोर्स फैमिली केमिकल कॉन्सुंट्स और जो टेस्ट वगैरह सब मेरे हिसाब से आपको जो है याद भी हो गए होंगे है ना तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है कुर्ची बार्क बिलोंग टू बिलोंग टू फैमिली बताइए कुर्ची की फैमिली याद तो हो मेरे हिसाब से आपको याद होनी चाहिए रूबी ए आपको साइन ए सी लोगैनी ए या लगोमिन आप कमेंट करके बताना जिस जिसको याद है वो कमेंट जरूर करना कि कुर्ची की फैमिली कौन सी है पता तो लगे इतनी देर पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ आपको कुछ याद भी हुआ है नहीं हुआ ओके तो इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना ओके थैंक यू